नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम के तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज पूरा गुरुग्राम शिवमय में नजर आ रहा है। भोले भंडारी के जय जयकारों के साथ शिवालय गूंज उठे हैं। शिव की आस्था, शिव की आराधना के साथ आज ये मान्यता है कि शिव से जो भी कोई मनोकामना मांगी जाए, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव आरंभ है, शिव अनंत है, इसी आस्था के साथ ये मान्यता है कि शिव का आज अवतार हुआ और शिव का शक्ति के साथ मिलन हुआ। इसी विश्वास और आस्था के साथ आज मंदिरों में शिव का जल अभिषेक किया गया और बड़ी संख्या में कांवड़िया गंगा जल लेकर आए और शिव का जल अभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। इसके अलावा बड़ी संख्या में मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली है। हर हर महादेव। सावन का पावन मास चल रहा है, इस मास में लोग मिलो तपस्या करके कांवड़ यात्रा करके जल लाके गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और इस दिन लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से बेलपत्र से दूध से जल से भोले बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भोले, ये बहुत ही बड़ा आस्था का त्यौहार है, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। शिवरात्रि का त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मॉडल टाउन कृष्ण मंदिर का ये नज़ारा देख रहे हैं आप लोग। बहुत भक्त आए हुए हैं, सुबह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सब लोग बहुत अच्छे से शिवरात्रि का पूजन कर रहे हैं शिव जी का। घर में फल और ये सब फल फ्रूट ये सब चीज़ें ला के दी है मेरे को मेरे मम्मी पापा जी ने और मैं मंदिर आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ ये सब चीज भोग लगाने के लिए। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इस सब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।